आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे, जिसकी तीन भुजाओं और दो विकर्णों की लंबाइयां दी हों। आप पिछली वीडियो से जानते हैं कि एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना करने के लिए 5 मापों के मानों की आवश्यकता होती है, जो कोण, योग, गुण धर्म और त्रिभुज अस्मिका को संतुष्ट करते हैं। यह 5 माप भुजाओं, कोणों और विकर्णों के संयोजन से बनते हैं। हम पहली स्थिति, जब चारों भुजाओं और एक विकर्ण की लंबाई दी गई हो, में चतुर्भुज की रचना करना सीख चुके हैं। आज इस वीडियो में हम दूसरी स्थिति, जब 3 भुजाओं और 2 विकर्णों की लंबाइयां दी हो, में चतुर्भुज की रचना करना सीखेंगे। आपको एक ऐसे चतुर्भुज PQRS की रचना करनी है, जिसमें PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, PS बराबर 5 सेंटीमीटर, RS बराबर 5 सेंटीमीटर, विकर्ण PR बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण QS बराबर 7 सेंटीमीटर दिए गए हैं। आप इसकी रचना कैसे करेंगे? आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक कच्ची आकृति का निर्माण करना है, जो कि कुछ ऐसी दिखती है। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में त्रिभुज की रचना करना सीख चुके हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि किस कसौटी की मदद से हम त्रिभुज PRS की रचना कर सकते हैं? जी हां, चूंकि हमें त्रिभुज PRS की तीनों भुजाएं PS, PR और RS की लंबाई दी गई है, इसलिए हम भुजा कसौटी से इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। सबसे पहले विकर्ण PR बराबर 5.5 सेंटीमीटर बनाएं। अब P को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या का एक चाप खींचिए। अब R को केंद्र मानते हुए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक और चाप खींचते हैं। दोनों चापों के प्रतिच्छेद बिंदु को S से नामांकित कर दीजिए। इस प्रकार हमने त्रिभुज PRS बना लिया है। अब क्या आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि बिंदु Q कहां स्थित होगा? आइए पता लगाते हैं। क्योंकि हमें प्रश्न में भुजाओं PQ व QS के माप दिए गए हैं, इसलिए हम पहले बिंदु S को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप और फिर बिंदु P को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं, जिनके प्रतिच्छेद करने पर हमें एक प्रतिच्छेद बिंदु Q मिलता है। PQ, RQ और QS को जोड़ दीजिए। PQ, RQ और QS को जोड़ने पर हमें एक चतुर्भुज PQRS प्राप्त होता है, जो कि एक अभीष्ट चतुर्भुज है, जिसकी हमें रचना करनी थी। आज इस वीडियो में हमने सीखा एक चतुर्भुज की रचना, जब 3 भुजाओं और 2 विकर्णों की लंबाइयां दी हों। अगली वीडियो में हम इस पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे।